नमस्कार, आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज 24 और मैं हूं नीरज कुमार। और वक्त हो चुका है दिन भर के बड़ी खबरों की। और बड़ी खबरों में पहले नंबर पर है, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने उन खबरों को खारिज कर दिया है जिनमें कहा गया है कि उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन बीमार हैं। ट्रंप ने इस खबर को चलाने के लिए CNN की आलोचना भी की है और कहा है कि मुझे लगता है कि ये खबर गलत है। और बड़ी खबरों में दूसरे नंबर पर है, चीन ने आज अंतरिक्ष दिवस के अवसर पर अपने मंगल मिशन का नाम Tianwen-1 रखा है। आपको बता दें कि चीन इसी साल के अंतिम में मंगल पर Tianwen-1 को प्रक्षेपित करने की योजना बनाया है। और बड़ी खबरों में तीसरे नंबर पर है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पंचायती राज दिवस के मौके पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए देश भर के सरपंचों से बात की। इस दौरान उन्होंने स्वाभिमान योजना का जिक्र किया और बताया कि स्वाभिमान योजना सभी ग्राम पंचायतों की डिजिटलाइजेशन की ओर बढ़ाया गया कदम है और इससे ग्राम पंचायतों में पारदर्शिता बढ़ेगी और रिकॉर्ड रखना आसान होगा। और बड़ी खबरों में चौथे नंबर पर है, कांग्रेस ने महंगाई भत्ता रोकने के लिए केंद्र सरकार की आलोचना की और कहा कि अपने बेकार के खर्चे कम करने की बजाय सरकार मध्यम वर्गीय कर्मचारियों और पेंशन पाने वालों पर बोझ डाल रही है। और बड़ी खबरों में पांचवें नंबर पर है, इसरो ने भारतीय मानव अंतरिक्ष कार्यक्रम और अंतरिक्ष अन्वेषण संबंधी स्वदेशी तकनीक विकसित करने के लिए प्रस्ताव मांगे हैं। आपको बता दें कि इसरो के मानव अंतरिक्ष कार्यक्रम निदेशालय ने 18 संभावित प्रौद्योगिकी विकास क्षेत्रों के लिए प्रस्ताव आमंत्रित किए हैं। और बड़ी खबरों में छठे नंबर पर है, उत्तर प्रदेश के CM योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि दूसरे राज्यों में 14 दिनों तक क्वारंटाइन पूरा करने वाले UP के मजदूरों को चरणबद्ध तरीके से UP वापस लाया जाएगा और इसके लिए तैयारियां शुरू कर दी गई है। और बड़ी खबरों में सातवें नंबर पर है, महाराष्ट्र के पालघर में दो साधुओं और उनके ड्राइवर के मामले की जांच NIA को सौंपने की मांग करते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई है। और बड़ी खबरों में आठवें नंबर पर है, भारत आई खराब एंटीबॉडी टेस्ट किट को केंद्र सरकार ने वापस उन देशों को लौटाने का फैसला किया है जिन देशों से इस टेस्ट किट को मंगाया गया था। आपको बता दें कि इनमें चीन से आए किट भी शामिल है। और बड़ी खबरों में नौवें नंबर पर है, सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई है जिसमें लॉकडाउन के दौरान निजी कंपनियों के कर्मचारियों को पूरा वेतन देने के केंद्र सरकार के आदेश को चुनौती दी गई है। आपको बता दें कि याचिका में कोर्ट से पूर्ण वेतन देने के केंद्र सरकार के गत 29 मार्च के आदेश को रद्द करने की मांग की गई है। और बड़ी खबरों में दसवें नंबर पर है, डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम का जेल से बाहर आने का सपना एक बार फिर से अधूरा रह गया। दरअसल राम रहीम की मां नसीब कौर ने बेटे की पैरोल के लिए आवेदन किया था जिसमें उन्होंने अपनी बीमारी का हवाला देते हुए पैरोल देने की मांग की थी जिसे प्रशासन ने खारिज कर दिया है। और बड़ी खबरों में 11वें नंबर पर है, दिल्ली पुलिस के PRO MS रंधावा ने कहा है कि कल से रमजान का महीना शुरू हो रहा है। मैं सभी दिल्ली वासियों से अपील करना चाहता हूं कि रोजे और नमाज के दौरान वे घरों से बाहर ना निकलें और लॉकडाउन की अनदेखी भी ना करें। और बड़ी खबरों में 12वें नंबर पर है, उत्तराखंड के देहरादून के दून मेडिकल कॉलेज में भी अब कोरोना की जांच की जा रही है जहां इसके लिए ICMR ने अनुमति दे दी है। गौरतलब है कि अभी तक एम्स ऋषिकेश और मेडिकल कॉलेज हल्द्वानी से जांच होके आ रहा था। और बड़ी खबरों में 13वें नंबर पर है, मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने हिमाचल प्रदेश में 25 से 28 अप्रैल तक मौसम का मिजाज बदलने का अनुमान जताया है जहां इसके तहत राज्य के 6 जिलों में तेज हवाओं के साथ झमाझम बारिश हो सकती है। और बड़ी खबरों में 14वें नंबर पर है, राजस्थान में आज कोरोना के 44 नए मामले सामने आने के बाद राज्य में कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़कर 2008 हो गई। और बड़ी खबरों में 15वें नंबर पर है, सप्ताह के आखिरी कारोबारी दिन आज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के प्रमुख इंडेक्स सेंसेक्स 535.86 अंक गिरकर 31,327.22 पर बंद हुआ जबकि निफ्टी 159.50 अंक गिरकर 9,154.40 पर बंद हुआ।
और बड़ी खबरों में 16वें नंबर पर है, एयरटेल ने ज्यादा से ज्यादा यूजर्स को अपने साथ जोड़ने के लिए एक खास रिचार्ज प्लान पेश किया है जिसकी कीमत 401 रुपए रखा गया है। आपको बता दें कि यूजर्स को इस रिचार्ज प्लान में 28 दिनों के लिए 3GB डेटा के साथ 1 साल के लिए डिज्नी प्लस हॉटस्टार सब्सक्रिप्शन फ्री मिलेगा, लेकिन इसमें कॉलिंग की सुविधा नहीं होगी। और बड़ी खबरों में 17वें नंबर पर है, एक रिसर्च के मुताबिक डायबिटीज रोगियों को डाइट में हरे प्याज को शामिल करना चाहिए क्योंकि हरे प्याज में एंटीऑक्सीडेंट के साथ फाइबर प्रचुर मात्रा में होता है जो शुगर लेवल को बढ़ने से रोकता है। और बड़ी खबरों में 18वें नंबर पर है, ओलंपिक आयोजन समिति के अध्यक्ष योशिरो मोरी ने कहा है कि कोरोना के कारण 1 साल के लिए स्थगित किए गए ओलंपिक खेलों को 23 जुलाई 2021 से आगे नहीं बढ़ाया जा सकता क्योंकि इसे 2 साल के लिए टालना तकनीकी तौर पर संभव नहीं है। और बड़ी खबरों में 19वें नंबर पर है, बॉलीवुड अभिनेता वरुण धवन आज 33 साल के हो गए, जहां इस मौके पर उनके फैंस सहित बॉलीवुड सितारों ने उन्हें जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। और बड़ी खबरों में 20वें नंबर पर है, रामायण और महाभारत के बाद दूरदर्शन पर एक और ऐतिहासिक सीरियल श्री कृष्णा शुरू होने वाला है जिसकी जानकारी खुद दूरदर्शन ने ट्वीट कर दी है। तो ये थी आज दिन भर की बड़ी खबरें, और ऐसे ही खबरों के साथ अपडेट रहने के लिए आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब बटन के साथ भी जो नोटिफिकेशन बेल है, घंटी है, उसे भी दबा दीजिए ताकि देश और दुनिया के तमाम खबरों से आप रह सकें अपडेट।